कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। क्रेटा, एलिवेट, ग्रैंड विटारा जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी कार्स है, एंड यू ऑल्सो गेट द एमजी एस्टर। तो ये एक वर्दी कंपटीशन है एंड दिस कार इज सो वैल्यू फॉर मनी, आई एम गोइंग टू टेल यू। सो गाइज, दिस इज द एमजी एस्टर 2024 ब्लैक स्टॉर्म एडिशन एंड दिस इज अ कंप्लीट रिव्यू ऑफ द एमजी एस्टर। दिस इज अ सीवीटी। हाई स्पीड स्टेबिलिटी इज वेरी गुड, बट स्पीड उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रहा, माइलेज उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। एक जो चीज़ मैंने नोटिस की इसमें एक प्रॉब्लम है। स्टार्ट करते हैं इसके लुक्स से। तो लुक्स आप देख सकते हो, दिस इज़ नॉट अ वेरी कन्वेंशनल SUV, इट इज़ काइंड ऑफ अ क्रॉस ओवर। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्टाइलिश ये लगती है, एंड ओवरऑल जो इसका स्टैंड है वो काफ़ी अच्छा है, क्रॉस ओवर टाइप है। एंड इसका जो लेंथ है वो 4323 mm है। इट इज़ ऑल्सो वेरी वाइड। इसका जो विड्थ है वो 1809 mm है। एंड बोनेट की साइज़ आप देख सकते हो, लेंथ भी बहुत अच्छी मिलती है। तो इसमें आपको पूरा ब्लैक एडिशन मिलने वाला है। इसमें क्या मिलता है, तो सबसे पहले आपको ये लाइट्स मिल जाती है जो कि थोड़े से आपको ब्लैक्ड आउट मिलती है। ये आप देख सकते हो, दीज आर ब्लैक्ड आउट लाइट्स। इसका जो पैटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। नीचे आपको हेलोजन फॉग लैंप्स मिल जाते हैं विच ऑल्सो हैव कॉर्नरिंग फंक्शन। बीच में आपको मिल जाती है ये ग्रिल, ये हनीकॉम पैटर्न की ग्रिल मिलती है एंड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल एस्टर। एंड यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी लगती है, यहाँ पे आपको MG का लोगो मिल जाता है। 360 डिग्री कैमरा इसमें नहीं मिलता इन दिस वेरिएंट। तो यहाँ पे आपको सामने की तरफ कोई भी पार्किंग सेंसर नहीं मिलता, पीछे की साइड आपको 3 पार्किंग सेंसर मिलते हैं एंड नीचे आपको एक और ग्रिल मिलती है एंड नीचे आपको स्किड प्लेट मिल जाती है। सो गाइस, दिस इज़ द ओवरऑल फ्रंट एंड। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग इसको मुड़ मुड़ के देखते हैं। फॉर अ वीक मेरे पास थी है एंड जैसे ही मैं इसको बाहर लेके निकलता था सब मुड़ के देखते थे कौन सी कार है, और मतलब डिस्कशन होता था मेरे हिसाब से। तो यार डेफिनेटली दिस हैज़ द रोड प्रेजेंस, दिस हैज़ द लुक्स। अब आते हैं साइड की तरफ, साइड में देखते हैं क्या क्या हमें मिल जाता है। यहाँ पे आपको ब्लैक स्टॉर्म का बैच मिलता है, दिस ऑल्सो लुक्स कूल। यहाँ पे आपको पूरे ब्लैक्ड आउट एलॉय व्हील्स मिलते हैं एंड यहाँ पे आपको रेड कैलिपर्स मिलते हैं। इसके अंदर गुड़ियर के टायर्स है, 215/55 R17 के टायर्स है एंड इसमें जो ग्रिप वगैरह है वो काफ़ी अच्छी है, इनफ है। जो रूफ रेल्स है वो आपको यूजेबल मिलते हैं एंड दीज आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी। यहाँ पे आपको ये क्रोम गार्निश मिल जाती है, क्रोम हियर, क्रोम हियर, क्रोम। ये आपको एक क्वार्टर पैनल ग्लास मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, पीछे आपको क्या मिलता है वो देखते हैं। तो गाइस, ये है कुछ रियर का लुक। यहाँ पे आपको जो अभी के टाइम पे जो सारी SUVs आ रही है कनेक्टेड लाइट वाली, वैसा कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे आपको एकदम क्लासी लाइट्स मिलती है। ये आप देख सकते हो जो डिज़ाइन लैंग्वेज फ्रंट में फॉलो हो रही थी वैसी सिमिलर आपको यहाँ पे फॉलो होती है, दिख जाएगी। यहाँ पे आपको ये LED मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको ये डिफॉगर मिलता है, वाइपर मिलता है फ्रॉम द बेस वेरिएंट इटसेल्फ। यहाँ पे MG का लोगो, एस्टर, ZS की बैजिंग एंड यहाँ पे 3 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। आप चेकआउट करते हैं इसके बूट को, बूट थोड़ा गंदा हो सकता है, तो उसका सॉरी फॉर दैट, नहीं गंदा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज क्वाइट गुड बूट। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट फिगर्स यहाँ पे डाल दूंगा एंड ऑल्सो यू हैव द स्पेयर व्हील विच इज़ 215/60 R16। तो 16 inches है बट जो विड्थ है वो सेम है। एक हैंडल आपको यहाँ मिल जाता है एंड इसको आप बंद कर देते हैं। अब जाते हैं इसके अंदर, इंटीरियर चेकआउट करते हैं। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं इसके अंदर एंड सबसे पहले आपको की बता देता हूँ, ये की लॉक अनलॉक बूट ओपन के बटन सबको मिल जाते हैं। अब इसको ऑन करते हैं और इंटीरियर को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पुश स्टार्ट बटन एंड ये है कुछ एनिमेशन, काफ़ी अच्छा लगता है ये। एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है लेदर अप स्टीयरिंग व्हील, ये सारे कंट्रोल्स, आपको म्यूजिक कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे MID कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करते हैं इंटीरियर के बारे में, तो ये पूरा आपको सॉफ्ट टच मिलने वाला है, सॉफ्ट टच एवरीवेयर। सो प्रीमियमनेस की कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पे आपको रेड स्टिचिंग मिल जाती है ब्लैक स्टॉर्म में, रेड एक्सेंट्स ओवर देयर ऑन द AC वेंट्स। फिर यहाँ पे मिलता है आपको 10 inch की टच स्क्रीन, एप्पल कापले एंड एंड्रॉयड ऑटो दोनों मिल जाता है इसमें। 6 स्पीकर मिल जाते हैं, AC के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो AC आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से भी आप टच करके भी कंट्रोल कर सकते हो, नीचे ऊपर या आपके विंडशील्ड पे चाहिए आपको AC। तो एक जो चीज़ मैंने नोटिस की इसमें एक प्रॉब्लम है कि जब भी आप नेविगेशन वगैरह या एप्पल कारप्ले जैसे चला के रखते हो तो है ना, ये क्या करता है कि जैसे ही आप AC कंट्रोल करते हो तो AC वाली स्क्रीन खोल देता है एंड कारप्ले को मतलब हटा देता है स्क्रीन से एंड वापस से आपको यहाँ पे होम पे आके एप्पल कारप्ले पे सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा है ना इम्प्रूव हो सकता है मेरे हिसाब से। नीचे आपको सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, डिफॉगर, फिर AC के, विच लुक क्वाइट गुड। यहाँ पे आपको मिल जाता है ये एक एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट, फिर यहाँ पे आपको एक और USB टाइप ए मिलता है, फिर 12 volt का सॉकेट मिलता है, वायरलेस चार्जर आपको नहीं मिलता है, ये हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन, फिर यहाँ पे आपको मिलता है 8 स्टेप का
CVT ट्रांसमिशन, यहाँ पे आपको 8 स्टेप मिल जाते हैं इसमें। एंड CVT ट्रांसमिशन चलता कैसा है वो मैं आपको बता दूंगा ड्राइव में। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है एंड ऑटो होल्ड आपको मिल जाता है। सो दीज आर ऑल द फीचर्स विच यू गेट। एंड ओवरऑल यहाँ पे फेब्रिक की अपोल्स्ट्री मिलती है, यहाँ पे फेब्रिक सीट टक्सीडो वाली स्टाइलिंग है, काफ़ी अच्छे लगते हैं सीट्स वगैरह भी, कंफर्टेबल है ऑन लॉन्ग जर्नीज, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है, सामान रखने के लिए भी जगह है, सब कुछ है। अब खोलते हैं सनरूफ, तो सनरूफ आपको पैनोरामिक मिल जाता है ऑफकोर्स, एंड साइज आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो खोलते हुए, इट लुक्स सो गुड। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स में थोड़े बहुत स्पेस मिल जाती है, एंड यहाँ पे आपको मिरर वगैरह सब कुछ मिल जाता है, यहाँ पे भी देख सकते हो मिरर। सो अब जाते हैं पीछे वाली सीट पे, पीछे वाली सीट पे देखते हैं हाउ मच स्पेस इज ऑन द रियर। सो गाइज दिस इज़ द रियर सीटिंग, अभी काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है, एंड सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। अब इसके यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कप होल्डर्स एंड आर्मरेस्ट। कप होल्डर्स बहुत कूल है यार, काफ़ी अच्छे कूल कप होल्डर्स मिलते हैं, रबर है यहाँ पे, नाइस। एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एसी वेंट्स, इनका जो थ्रो है वो आप सामने से एडजस्ट कर सकते हो, इनको भी आप क्लोज या ओपन कर सकते हो। 2 USB Type-A, तो चार्जिंग पोर्ट्स भी आपको इनफ मिल जाते हैं, एंड लेग स्पेस आप देख सकते हो मोर देन इनफ मिल जाती है। मेरी हाइट है 5 feet 8 inches एंड मोर देन इनफ है। हेड स्पेस भी डिसेंट है, 3 लोग की बात करें तो 3 लोग भी यहाँ पे बैठ सकते हैं, और काफ़ी अच्छा खुला खुला सा केबिन है, यहाँ पे आप 2 जन आराम से बैठ सकते हो, तो 3 लोग के लिए भी काफ़ी अच्छी कार है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रियर। हाय गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं एस्टर के अंदर, एंड अब इसको शुरू करते हैं। सो शुरू करने के बाद यू कैन फील द रबर बैंड इफेक्ट, सो दिस इज़ CVT, सो यू हैव द रबर बैंड इफेक्ट गोइंग ऑन, मतलब आपको फील होगा कि यहाँ पे RPM तो इंक्रीज़ हो रहा है बट स्पीड उस हिसाब से इंक्रीज़ नहीं हो रहा। जब आप स्पोर्ट्स मोड में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये एक 8 स्टेप CVT है, देख सकते हो अभी 6 पे है, 7, अच्छा ये अपने हिसाब से ही जाता है, तो उतने स्पीड पे रहेगा तो भी जाता है। सो 7th स्टेप पे है अभी ये, 8 भी आप इसमें कर सकते हो, तो 8 स्टेप CVT है, एंड अराउंड 75 का स्पीड है एंड 1.8 के RPM है, तो आप इस हिसाब से माइलेज का अंदाज़ा लगा सकते हो। वैसे हमें माइलेज टेस्ट में कितना माइलेज मिला अगर आपको वो वीडियो देखना है, तो समृद्धि हाईवे पे हमने इसका माइलेज टेस्ट किया था, एंड माइलेज वहाँ पे कितना आया था वो आप देख सकते हो। वैसे मैं आपको रफली बता दूँ तो अराउंड 14 आया था, 14.5 माइलेज आया था विथ AC एंड 100 पे क्रूज़ कर रहे थे हम। तो विजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, विजिबिलिटी इज़ वेरी गुड, ओके, यू हैव द विजिबिलिटी ऑफ द बोनेट, आपको बोनेट दिखता है, फिर आपको लेफ्ट एंड राइट मिरर्स काफ़ी अच्छे साइज़ के मिल जाते हैं, एंड जो रियर व्यू मिरर है वो भी काफ़ी अच्छा है, इनसाइड रियर व्यू मिरर, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है, तो ये चीज़ें आपको मिल जाती है। तो सेकेंड बात करते हैं हम इसके सीट कम्फर्ट के बारे में, तो ये गाड़ी मैं काफ़ी टाइम से अभी चला रहा हूँ, लगभग मैंने इसमें लगभग 500-600 किलोमीटर तो चला ही लिया है, तो मेरे हिसाब से दिस सीट्स आर वेरी कम्फर्टेबल, बहुत अच्छी होल्डिंग्स है उनकी, एंड जो कुशन यूज़ किया गया है वो भी काफ़ी अच्छा है। एक और चीज़, इसका जो साउंड इंसुलेशन है ना वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, NVH लेवल्स बहुत अच्छे हैं, कहीं पे भी वाइब्रेशंस नहीं है। फिर अब बात करते हैं इसके ड्राइव के बारे में, तो ड्राइव कैसी है, सो ड्राइव इज़ वेरी कम्फर्टेबल एंड गुड, ये मैं बोलूँगा आपको। द सस्पेंशन सेटअप इज़ वेरी गुड, यहाँ पे आपको एक मिक्सचर मिल जाता है स्टिफनेस एंड जो कंफर्ट है उसका, तो काफ़ी एक अच्छा सा सस्पेंशन आपको मिल जाता है, एंड जितना भी ट्रिप मैंने इसमें किया है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगा है। 300-400 किलोमीटर्स लगातार चलाने के बावजूद मुझे कोई भी थकान वगैरह ऐसी कुछ हुई नहीं है, देख सकते हो कि नॉर्मल चलने में ना CVT में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ परफॉर्मिंग वेरी गुड। यहाँ पे तो रबर बैंड इफेक्ट तो होता है, देख सकते हो द नॉइज़, ओके इट इज़ कमिंग, इट इज़ एविडेंट, तो ये तो है, बट एक टाइम के बाद है ना वो नॉइज़ ख़त्म हो जाती है, एंड दैट ट्रांसलेट्स इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कम नहीं है गाड़ी का कोई भी एंगल से, एक्सेलरेशन इज़ गुड, हाई स्पीड स्टेबिलिटी इज़ वेरी गुड। यहाँ पे देख सकते हो हम 108 पे पहुँच गए, मुझे पता भी नहीं चला था, सो कम कर लेता हूँ थोड़ा स्पीड, 100 पे चलते हैं। इसमें आपको स्टेयरिंग मोड्स भी मिल जाते हैं, तो उससे आप स्टेयरिंग का फीडबैक भी थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हो। जो इसका सबसे जो हार्ड वाला है डायनामिक स्टेयरिंग मोड, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगा, मतलब ऐसा लगता है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू टर्न, तो वो तो मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल,
तो मेरे लिए दिस इज इनफ वेट फॉर स्टेयरिंग एंड काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी है, काफ़ी अच्छा कंफर्ट है। थोड़ा सॉफ्ट सस्पेंशन ज़रूर है लेकिन ऐसा कोई भी बाउंस अनवांटेड वो सब नहीं है। यू हैव अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी एंड इसकी सेफ्टी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। अभी इसको ओवरटेक कर दे एंड देख सकते हो द रबर बैंड इफेक्ट इज देयर, उसके बाद आपको एक्सेलरेशन आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक काफ़ी अच्छा ओवरटेक किया है। तो ब्रेकिंग भी गाइस काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हो द हैंडलिंग ऑफ दिस कार, इट इज़ सुपर्ब। ओके, इट इज़ वन ऑफ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट हैंडलिंग इन द सेगमेंट। वोक्सवैगन स्कोडा वाले बोलेंगे यार स्कोडा चला, वोक्सवैगन चला फिर बताना। तो यार देखो काफ़ी अच्छी हैंडलिंग है इसकी और मान लो ये बात। तो एनवीएस की बात करें तो काफ़ी साइलेंट कार है, यहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, कहीं पे भी वाइब्रेशन नहीं है, साइलेंटली स्टार्ट होती है, पता भी नहीं चलता कि ऑन या ऑफ है। तो इसका जो फोर सिलेंडर इंजन है वो काफ़ी अच्छा है, रिफाइंड है, ठीक है। और माइलेज उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसमें रबर बैंड इफेक्ट है ना, तो वो बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं वहाँ पे। तो जैसे ही एक्सेलरेटर दिया है ना वैसे थोड़ा टाइम लगता है, तो ये रबर बैंड इफेक्ट की वजह से जो सीवीटी है उसमें बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से है ना ये उतना अच्छा माइलेज दे नहीं पाता। मैनुअल इससे बेटर माइलेज दे देगा आपको। और लेकिन इसमें आपको 8 स्पीड का 8 स्टेप का सीवीटी मिल जाता है, मैनुअल में आपको 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस उससे पड़ सकता है, मैनुअल देखना पड़ेगा चला के कि उसमें 100 की स्पीड पे कौन सा आरपीएम रहता है। इसमें तो देख सकते हो कि अराउंड 2.3K के आसपास आरपीएम रहता है। ऑल द पेडल्स आर वेरी रिस्पॉन्सिव, मतलब बहुत ही स्मूथली एक्सेलरेट होती है, ब्रेकिंग इज़ वेरी ग्रेजुअल, ऐसा मतलब वो नहीं है, ऐसा रफनेस नहीं है। सो सम कार्स डू हैव द रफनेस, जो ऐसे सरप्राइजिंग पैचेस आते हैं ना देख सकते हो, जो ऐसे थोड़े बहुत कटे हुए रोड्स रहते हैं वहाँ से भी है ना बहुत ईजिली इसका सस्पेंशन आपको निकाल देता है। स्टार्टिंग में काफ़ी रबर बैंड इफेक्ट है, सो सीवीटी में यार सही से नहीं हो रहा, तो आई ट्राइड माई बेस्ट, सो दिस इज इट। मैनुअल होती तो मैनुअल हम एग्जैक्ट चेक कर पाते। सो फॉर होम इज दिस कार, तो ये कार है उन बायर्स के लिए जिनको एक क्लासी एंड स्टाइलिश कार चाहिए, हु वॉन्ट देयर कार टू स्टैंड आउट इन द क्राउड, ऑल्सो जो लग्जरी एंड कम्फर्ट ऑफर करती है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। तो ऐसे कस्टमर्स को एम जी एस्टर डेफिनेटली रिकमेंडेड है। एंड अगर आप ड्राइव इंथुजियास्ट हो तो आप इसका 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल कंसिडर कर सकते हो विद द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द एमजी एस्टर एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू हिज चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।